हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी जनाब? तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक पार्क में और मैं आज लोगों से कुछ करने वाली हूँ सवालात, जिन सवालात के अच्छे इंटरेस्टिंग से आंसर हमें मिलेंगे, हम उसको बना लेंगे आज का एजेंडा। तो स्टे ट्यून्ड। चलिए जी, तो यहाँ पर एक भाई मौजूद है, इनसे हम सवाल करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सनाउल्लाह। सनाउल्लाह, मैरिड है? अच्छा, क्या सोचते हैं, लव मैरिज होनी चाहिए अरेंज मैरिज? माँ बाप की मर्जी से होनी चाहिए। माँ बाप की मर्जी से ना, माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अरेंज मैरिज यानी कि आपकी नजर में अच्छी है, सही है, ठीक है। चले तो शुक्रिया गाइस। तो एक और भाई यहाँ पर मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या तासुरात है इस एजेंडे के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या नाम है? संजय। संजय, क्या सोचते हैं, अरेंज मैरिज होनी चाहिए लव मैरिज? अरेंज। अरेंज मैरिज किस हवाले से अरेंज मैरिज सही है? मुझे मेरी खुद की भी अरेंज है और कामयाब भी है। अच्छा, माशाल्लाह, इनकी अरेंज मैरिज है और काफी कामयाब शादी है, तो इनका कहना है कि अरेंज मैरिज ज्यादा बेहतर है, राइट? थैंक यू। अच्छा, एक और भाई मौजूद है, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर, थोड़ा सा हमें बताइए आपकी क्या राय है, अरेंज मैरिज ज्यादा बेहतर है लव मैरिज? मेरे हिसाब से इस वक्त के दौर में देखा जाए तो अरेंज बेहतर है। अरेंज बेहतर है? यस। मतलब क्या वजह है? लव में ये है कि देखें, आप दोनों पहले एक दूसरे को बहुत अरसे से डेट कर रहे हैं, जानते हैं ये वो एक दूसरे की बातों को, ये वो, तो किसी न किसी बात को लेकर जो है ना कि फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। और मेरे हिसाब से जो है ना कि लव जो है ना वो, अगर आप शादी की बात करें तो सक्सेसफुल नहीं भी है। लोगों का यानी कि मानना है कि आजकल तो आपको पता है कि सब लव ही इस चक्कर में रहते हैं। छोटा सा एक बच्चा मुझे नजर आया है वॉक करता हुआ, चले इसको पकड़ते हैं, इसका इंटरव्यू लेते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं। अकेले? अकेले वॉक कर रहे हैं आप? अच्छा, तो आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा घर पे। घर पे? तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे अकेले? मैं वोट करने आए। अकेले वोट करने आ गए आप? घर कहाँ है आपका? पास ही है। पास ही है? गाइस, ये छोटा सा बच्चा है, आई गेस इसके मम्मी पापा यहीं पे हैं, तो इसलिए ये यहाँ पर मौजूद है, वरना ये अकेले तो उस तरह कोई अपने बच्चे को छोड़ेगा नहीं। अच्छा, तो क्या करते हैं अब्दुल्ला आप? नहीं, आप स्कूल पढ़ते हैं? स्कूल पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में आप? आर्मी पब्लिक। कहाँ पे? आर्मी पब्लिक। आर्मी पब्लिक? आर्मी पब्लिक स्कूल में आप? अच्छा, ओके, जबरदस्त। तो कौन सी क्लास में? पीजी क्लास में। अच्छा, ओके। और क्या बनना चाहेंगे, मतलब बड़े होके क्या बनना है? फौजी। फौजी बनेंगे? माशाल्लाह। फौजी बन के क्या करेंगे? मैं मुल्क को बचाऊंगा। क्या करेंगे? मुल्क को बचाऊंगा। मुल्क को बचाएंगे? माशाल्लाह, इस बच्चे की सोच तो बहुत ही अच्छी है। काश हमारे मुल्क के जवान बच्चे, जवान और बच्चे इस तरह की सोच, सारे बच्चे और सारे जवान इस किस्म की सोच रखें तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है? मोहम्मद मुनीर। मोहम्मद मुनीर सर, मैरिड है जी? अच्छा, तो कितना साल हो गया शादी को? 11 साल। 11 साल हो गए, तो क्या लगता है अरेंज मैरिज ज्यादा बेहतर है या लव मैरिज? आपकी अरेंज हुई है, लव हुई है? अरेंज हुई है। अरेंज मैरिज माशाल्लाह से, यानी अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है जी। तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे पब्लिक को, हमारे व्यूअर्स को, कि लव मैरिज करनी चाहिए अरेंज मैरिज? नहीं, अपने माँ बाप की पसंद से करो तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि वो उन्हीं पे होते हैं ना, वो सारा डिपेंड उन्हीं पे करेगा ना। अपनी पसंद से करेंगे तो फिर बोलेंगे तुमने अपनी पसंद से करा। अच्छा, यानी कि अगर आप लव मैरिज करते हैं और खुदा न खासा कल को कोई मसला आता है तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे आपका, ये कहने का मकसद है? करते हैं, वो माँ बाप है, करना तो पड़ेगा उनको, ये तो होता है, लेकिन वो फिर एक उनके ऊपर वो होता है ना कि बोलते हैं कि हाँ भाई आपने अपनी मर्जी से किया था शादी, तो अब आप करें, आप अपनी मर्जी। हाँ, बुकते हैं।
अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर था इनका कि अगर आप लव मैरिज करते हैं तो कल को कोई मसला होता तो आपके पेरेंट्स कहेंगे अब रुकते हैं, इनको भी किया तो आपको नहीं रुकते। अच्छा चले, थैंक यू। क्या नाम है? अहमद। अहमद क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, ऐसे ही आए हैं बस घूमने। घूमने फिरने आ गए, कुछ नहीं करते, फारिग हो? अभी सो गए उठे हैं। ओहो, ये तो बिल्कुल ही फारिग है, मतलब बिल्कुल ही फारिग। अच्छा फिर तो सॉरी जस्करी, तो ये बताएं कि क्या सोचते हैं, लव मैरिज होनी चाहिए अरेंज? लव मैरिज क्यों? ऐसे ही बस। ऐसे ही बस, वजह बताओ। वजह कुछ नहीं, हमारी लव मैरिज कराते हैं, वजह बताओ। लव होता है तो मैरिज करनी भी चाहिए ना यार। तो सब ने अपना अपना फीडबैक दिया, सब ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। हर ज़ाहिर है हर इंसान एक अपनी अलग सोच रखता है और हर किसी का अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है और हर कोई अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात कर रहा होता है। लेकिन मेजोरिटी हमारे पास जो लोग थे उन्होंने अरेंज मैरिज को ज़्यादा तरजीह दी है। तो आई गेस लव या अरेंज मैरिज से कुछ नहीं होता, इसमें बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपका लव हो या अरेंज हो, अंडरस्टैंडिंग मैटर्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे या किसी नई चीज़ को डिस्कवर करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और जैसे सब्सक्राइब कर दिया और बेल का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से बेल का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।